मछली पालक भाइयों और बहनों, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहा हूँ, भारतीय मुख्य कार्प मछलियों का सदस्य है, परंतु पता नहीं किस कारण से यह उतना प्रचलित नहीं हुआ और कई भाई तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। इस मछली का नाम है कालबोस। इसका वैज्ञानिक नाम है लैबियो कालबासो। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह लैबियो जाति का एक प्रजाति है। जैसे लैबियो जाति के अन्य मछलियां हैं, लैबियो रोहिता जिसको रेहू बोलते हैं, लैबियो बाटा जिसको बाटा बोलते हैं, फिर लैबियो फिम्ब्रिएटस है, लैबियो गोनियस है, इस तरह का कई उसके प्रजातियां हैं। तो कालबोस मछली जो है यह बहुत ही काले रंग की होती है। कहीं कहीं इसे बसाड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे कालिया भी बोलते हैं। यह मछली भी रोहू की तरह धीमी गति से बढ़ती है और एक वर्ष में 500 से 800 ग्राम की हो जाती है। यह मछली स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट है और कई लोग तो रेहू के से भी ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। परंतु जब से मिश्रित मत्स्य पालन का प्रचार हुआ तब से यह मछली पता नहीं किस कारण से पीछे छूट गया और इसके बारे में लोगों ने जानना भी बंद कर दिया और संचय करना भी बंद कर दिया। लेकिन जो जानते हैं वो संचय करते हैं। इस मछली का शरीर काला होता है, पीठ की ओर ज़्यादा काला होता है, पेट की ओर कम काला होता है, लेकिन पूरा शरीर काला होता है। और इसके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही काले होते हैं, पूरे के पूरे इसके कारण, और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो इसके कारण कालबोस के बच्चों को कई जगह लोग एक्वेरियम फिश के भी रूप में रखना शुरू कर दिया है। यह मछली तालाब के तल में रहती है और तल में उपलब्ध छोटे छोटे पौधे, प्लवक, प्लैंकटन और घोंघा, कीड़े मकोड़े ये सब खाती है। यहाँ तक कि मिट्टी और बालू भी खाती है। तो एक तरह से यदि आपके तालाब में कालबोस मछली है तो आपके तल की सफाई होती रहेगी। इसको नेचुरल सैनिटाइजर कहा जाता है। दूसरा है कि इसके लीवर के तेल में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा मिलता है, जिसके कारण इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। कालबोस मछली का दर जो है वो कहीं कहीं पर रेहू से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यह ज़्यादा मिलती नहीं है। यह नदियों में, तालाबों में मिलती है और रांची में स्थित एक ध्रुवा जलाशय है जिसमें इसके बच्चे पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि या तो यह ध्रुवा जलाशय में प्रजनन की है अथवा जो जलाशय से लगा हुआ नदी है, स्वर्णरेखा नदी, उसमें प्रजनन की है। तो प्राकृतिक रूप से भी इसका बीज उपलब्ध हो जाता है। आपको अपने तालाब में कालबोस मछली का संचयन करना चाहिए। इसके लिए जहाँ से भी आपको बीज प्राप्त हो सके उसका पता लगाकर वहाँ से प्राप्त करें, नहीं तो जिस हैचरी से आप स्पॉन लेते हैं वहाँ पर आप बोल करके इस मछली का ब्रीडिंग कराएं और इसके बीज का संचयन करें। इसके पालन से लाभ ही लाभ है और एक साथ सभी के साथ जो 6 प्रकार की मछलियाँ हैं मिश्रित मत्स्य पालन में, उसके साथ इनको भी पाला जा सकता है। तो भाई और बहनों, आपका सहयोग मुझे मिल रहा है। कालबोस मछली को आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है उसे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने का। धन्यवाद।